नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और कब ये कोरोना हमारे देश से जाएगा और कब लॉकडाउन खत्म होगा, इसका अभी भी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। लोग घर में रहकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और महिलाएं अपनी फिटनेस को भी खो रही हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जो कि टाइकोंडो में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं शारदा जडोन जी, जो कि फिटनेस के लेवल में काफी आगे हैं। मैम, पहले तो स्वागत है आपका डेली डायरी में, और कैसे आप अपनी फिटनेस को इतने काबू में रख पाते हैं? थैंक यू प्रसाद जी। फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली लेडीज के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमें डे टू डे कितना काम करना पड़ता है, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो या फिर आप हाउस वाइफ। तो फिटनेस को आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आपको इवन अपनी फैमिली को सपोर्ट लेकर फैमिली को आपको फिटनेस मेंटेन करना है। आप अपना बॉडी बना सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत लेजी हो जाते हैं हम सब लोग, में पता है, पर इस लेजीनेस को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ना सिर्फ आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, बल्कि आपकी बाकी फैमिली मेंबर्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपके हस्बैंड, अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके भाई बहन या कोई फ्रेंड। ऑनलाइन कनेक्ट होकर भी आप एक ग्रुप बनाइए, और कुछ तो आजकल ऐप वगैरह फ्री है, आप उनका यूटिलाइजेशन करिए तो आप फिटनेस इम्प्रूव कर सकते हैं। मैम, जो महिलाएं हैं घर पर रहकर काफ़ी एक जो बोलते हैं ना काम, जैसे जो वर्किंग वूमेन्स हैं वो भी, उनको काम करने की घर पर आदत नहीं थी, लेकिन जो सर्वेंट्स हैं, जो घर पर काम करने वाले जो आते थे, वो भी उनका आना भी बंद हो गया है। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को घर पर, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कैसे काम किया जाए, कैसे सारे काम को निपटाया जाए, फैमिली भी पूरी घर पर है, तो कैसे उस एक जो माइंडसेट है उससे बाहर कैसे आया जाए, और क्या ऐसी चीजें की जाएं घर पर रहकर जिससे कि एक माहौल में अब मतलब हैबिट सी हो जाए इस माहौल में भी रहने की, क्योंकि लगता नहीं है कि जल्द ही चीजें सुधरने वाली हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। शायद इस हिसाब से दुनिया में जो इफेक्टेड लोग हैं उनकी रेट बढ़ रही है, तो शायद हो सकता है हमें टाइम और एक्सटेंड करना पड़ सकता है। पर मेरा मानना ये है, हमें हर एक चीज में एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर आप सोच सकते हैं कि पहले से आपकी फिटनेस इंप्रूव तो हुई होगी, क्योंकि आप अभी घर का भी काम कर रहे हैं, तो जो पहले का वर्कलोड था उससे थोड़ा बढ़ गया है, पर आप उसमें फिटनेस का किस तरीके से ध्यान दे सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए पोछा लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लीजिए, उसको एक आप डांस के फॉर्म में लेकर कर सकते हैं। आप स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स क्लाइंबिंग एक्सरसाइज होती है, आप घर पे ही स्किपिंग कर सकते हैं। लोग जब आप थोड़ा सा चल रहे हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं अपना आगे पीछे चलने के लिए, तो उससे क्या होगा कि आपके घर में हल्की सी वॉक और रनिंग भी हो जाएगी। और मेरा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक मानना है कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक लॉकडाउन है जो कि दुनिया भर में या हम सबके लिए दुखद चीज भी है, पर हमें एक पॉजिटिविटी लेकर एक घर का माहौल सेट करना है, जिससे कि हेल्दी खाना है फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जरूरी है। आप एक बार एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर एक हेल्दी खाना खाना, जैसे कि फ्रूट्स लेना, आपका वेजिटेबल्स लेना, जूसेस लेना, शेक लेना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, तो लकीली मेरी तो फ्रूट्स और जूसेस की शॉप है, मेरे पेरेंट्स की अलॉन्ग श्री फ्रूट मर्चेंट आगरा में, तो मैंने बचपन से एक हेल्दी और हैप्पी और एक अच्छा डाइट शुरू किया है, जो कि मेरी फिटनेस इम्प्रूव करने के लिए, मेरी इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने के लिए और मेरी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक उसने पार्ट निभाया है। और वापस से मैं इस टॉपिक को लेकर आऊंगी कि आप जैसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, मान लीजिए आपको कुछ क्लीनिंग करनी है, तो आप उसमें ही हल्का सा स्टेप थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, स्टेप मॉडिफाई करके अपना पोस्चर, हम लोग अपना पोस्चर कर सकते हैं, हम लोग ऐसे ना बैठ के करेक्शन, और ये चीज आप अपने घर में बॉडीज को बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप और आपके भाई बहन या आप या आपके हस्बैंड या इन लॉज, अगर वो करेक्ट नहीं बैठे हैं तो पेनल्टी लगा दीजिए, पेनल्टी लगाइए कि आपको घर का ये काम करना पड़ेगा। तो ये क्या कुछ छोटी छोटी चीजें जिससे कि आप अपने घर का वातावरण भी बदल सकते हैं और आप हेल्दी भी। मैम, आपका रूटीन जानना चाहूंगा, आपका मतलब जो रूटीन सेट होता है वो किस तरीके से आपने अपना सेट कर रखा है, क्या फैमिली को कुछ गाइडेंस दे रखी है, जैसे आप दूसरों पे पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं, आपके घर में भी ये रूल्स हैं या नहीं है? देखिए, मेरा मानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जो कि आपकी फैमिली होती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मेरे इन लॉज के पास में भी मेरे पास एक बहुत अच्छा, मेरे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, छोटी बच्ची है 5 मंथ की अभी, तो इवन मेरे पेरेंट्स यहाँ पर भी,
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम का, तो हमेशा मैंने एक चीज ये देखी है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होगा तो आप हर किसी के ड्रीम्स अचीव करने के लिए हेल्प कर सकते हो, चाहे वो ड्रीम छोटा हो या ड्रीम बड़ा हो। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं जब इंटरनेशनल खेलने गई तो मेरे इन-लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरा शेड्यूल भी यही था, मिनिमम मेरा 6 आवर्स का ट्रेनिंग रहता था, सुबह मेरा 3 आवर्स का ट्रेनिंग था, इवनिंग मेरा 3 आवर्स का ट्रेनिंग था, उसके बाद मेरा ऑफिस भी रहता था, मैं ऑफिस में बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरा ऑफिस रहने के बाद मैं घर पर आती थी। अगर मेरा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, मेरे इन-लॉज भी सपोर्ट नहीं करते, तो मेरा घर कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता, तो मेरी फैमिली लाइफ भी मेंटेन हुई, मेरे घर की मेंटेन हुई और मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी मेंटेन हुई। मैं थोड़ा लॉकडाउन से निकलकर आपकी पर्सनल लाइफ पे आना चाह रहा था कि कैसे मतलब आपका जो टाइकोंडो का सफर था वो शुरू हुआ और कैसे आपकी रुचि इस खेल की तरफ गई। तो मैं इसका सीधा सा क्रेडिट अपनी नानी जी को देना चाहती हूँ, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, उनका नाम लॉन्गश्री जी है, और उन्होंने 18 साल में वो विडो हो गई थी, तो जिस हिसाब से उन्होंने अपनी जर्नी देखी है, उनकी सिर्फ एक बेटी थी जो मेरी मम्मी है, तो उन्होंने पूरी लाइफ उनके लिए दी। तो एक आज से 50 साल पहले एक विडो लेडी का अगर आप लिखना चाहेंगे लाइफ, तो वो सिंपल नहीं थी, उन्होंने उससे शुरू करके एक छोटी शॉप छोटी सी शुरू की, आज आगरा में हमारी काफी बड़ी शॉप है, तो वो एक इंस्पिरेशन है कि 50 साल पहले वो लेडी कर सकती है, और उन्होंने सभी तरीके से, आप सोच सकते हैं कि बिजनेस एक ईजी बिजनेस नहीं है, मेल डोमिनेटिंग बिजनेस है आज भी, तो उनसे मुझे पूरी पूरी प्रेरणा मिलती थी, उनको बहुत अच्छे से लग चलाना भी आता है, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी है, पॉलिटिक्स में भी रह चुकी है, तो उनको देख के मुझे क्या हम सभी लोगों को या मेरे फ्रेंड्स सबको इंस्पिरेशन मिलती है। मेरे को भी थोड़ा वो लग रहा है कि 18 साल की एज में विडो होना और आज से 50 साल पहले वो चीजें इमेजिन करके ही थोड़ा वैसा अजीब सा लगता है कि कैसे किसी लेडी ने कितनी फाइट की, अकेली 6 महीने की बच्ची को साथ में लेकर, और वो भी उस माहौल में बहुत मुश्किल था, पर उन्होंने लेकर आए, और आज हम बच्चों को इस लायक बना दिया है कि हम लोग लाइक इस लेवल पे पहुंच पाए, तो वो एक रूट था हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैम, जो अब तक का टाइकंडो का सफर रहा है आपका, जैसे मैंने को पता है कि आपने शायद ब्लैक बेल्ट भी आपके पास है, उन चीजों के बारे में भी थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए, कैसे मतलब क्या क्या जर्नी रही अब तक, कौन कौन से मेडल या कौन कौन से ब्लैक बेल्ट जो आपने हासिल किए। जी, मेरी जर्नी आगे से शुरू हुई थी, मेरे बड़े भाई मुझे हमेशा टाइकोंडो के लिए उन्होंने प्रेरणा दी, मुझे उन्होंने बोला कि एक गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, मेरे भाई ने मुझे कभी वैसा डिफरेंस नहीं किया कि भैया बोले कि आप लड़की हो या लड़के, तो उन्होंने देखी लाइफ, उन्होंने बोला कि मेरी बहनें किसी से कम नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे टाइकोंडो के लिए प्रेरित किया, और मैंने आगरा एकलव्य स्टेडियम में बहुत ही छोटी उम्र से ट्रेनिंग ली थी, पहले मैं जिमनास्टिक्स करती थी, फिर थोड़े और गेम्स चेंज की, बट प्रोफेशनली मैंने टाइकोंडो राजकुमार सर के अंडर में प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया थी हिंदुस्तान कॉलेज से, तभी मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू किया था मैंने, उसके बाद में मेरे जॉब बड़ोड़ा में लग गई थी, तो बड़ोड़ा में जाने के बाद या वडोदरा तो गुजरात में जो है वहाँ पर मेरा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में मेरा जॉब लग गया था, वहाँ पर गुजरात में भी एक दूसरा चेंज आया, वहाँ पर टाइकोंडो नहीं था पर मैंने बाकी चीज़ें किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग अपनी कंटिन्यू रखी, फिर वहाँ पर मुझे कोचेज मिले जिससे कि मैंने वुशु भी सीखा, और मैंने वुशु गुजरात से नेशनल वहाँ पर ऑफिशियल नेशनल मैंने गुजरात से खेला, फिर आफ्टर सम टाइम मेरी शादी हो गई 2015 में, और शादी के बाद में मैं कर्नाटका मूव करके बैंगलोर, तो बैंगलोर मूव करने के बाद में मैंने अगेन कंटिन्यूअस स्टेडियम में ज्वाइन किया अपनी प्रैक्टिस, और सुबह शाम सब मेरे फैमिली के सपोर्ट से, मैं थोड़ा गैप था शादी के बाद कुछ मंथ का, बिकॉज इन लॉस कन्विंस थोड़ा टाइम लगता है कि आप एक मार्शल आर्ट बैकग्राउंड से होते हो और फिर आप एक डिफरेंट फैमिली में आ जाते हो जहाँ पे गर्ल्स को सपोर्ट नहीं होता, पर फिर भी मेरे इन लॉज के सपोर्ट से, मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैंने वापस अपना स्टार्ट किया अपना करियर स्पोर्ट्स के अंदर, फिर थोड़ा थोड़ा करके आप तो देख सकते हैं अभी करके लास्ट ईयर ही मैंने अगेन नेशनल खेला और मैं नेशनल रेफरी भी बन चुकी हूँ अभी, और लास्ट ईयर 2018 में मैंने मलेशिया में इंटरनेशनल में गोल्ड लिया था।
मैम एक लास्ट को सवाल ले रहा हूँ। एक छोटी सी बच्ची आप बता रहे हैं, 6 मंथ की आपकी बेटी है, तो उसको लेके कैसे मतलब आप सारी चीजों को मैनेज करते हैं, कैसे सारी चीजों को हैंडल करते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर फैमिली का पूरा सपोर्ट है, कैसे मतलब सारी चीज मैनेज होती है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। फैमिली का सपोर्ट तो एक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं हमेशा से यही बोल रही हूँ, अगर चाहे वो सक्सेसफुल मैन हो या फीमेल हो, मेल हो फीमेल, सबके लिए एक फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा है। और वो आपको क्रिएट करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो रेडी रहता है हमेशा, वो आपको क्रिएट करना पड़ता है। कुछ कुछ केसेस में आप लकी रहते हो, कुछ कुछ केसेस में नहीं रहते हो। तो मेरे केसेस में मैं लकी भी थी और थोड़ा क्रिएट भी किया। तो उसके लिए मेरे पास 6 महीने के बच्चे, मैं उसको लेके एक्सरसाइज करती हूँ। मैं उसको अपने पैरों पे लेकर लाइक लेकर कुछ चांसेस करना है उनके साथ में ही, उनको खिलाते खिलाते ही मैं कुछ बैक पर बैक के ऊपर ही प्लैंक्स करना, ब्लैक बैक के ऊपर ही क्रंचेस करना, बैक के ऊपर ही साइकिलिंग करना, आप पैरों से साइकिलिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो उनके साथ में रहती है फिटनेस का, तो ये क्या होगा, एक हमारा उनका बॉन्डिंग बनता है। मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बच्चे को खेलते खेलते ही एक्सरसाइज भी करती हूँ। मैम फ्यूचर के क्या प्लान हैं आपके, फ्यूचर में क्या क्या आपके अचीवमेंट होने जा रही हैं, फ्यूचर में क्या टारगेट हैं, कैसे क्या क्या होने जा रहा है आपके थ्रू, हमारे इंडिया को काफी प्राउड फील होने जा रहा है, तो क्या बताना चाहेंगे आप? आई ट्राई माई बेस्ट, प्रैक्टिस तो आप वापस शुरू कर दिए, हमारा फ्रेंड का एक ग्रुप है फिट टू बी करके, तो हम लोगों ने अभी कल का कुछ कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किए हैं जो कि अभी फ्री है। मैं आप सब लोग को बोलूंगी कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कीजिए जो कि कुछ एप्स फ्री है, आप उसमें लाइव क्लासेस अपने फ्रेंड्स को अपने आप को इन्वाइट कीजिए। कल से कुछ प्रमोशन नहीं मिला, बट आई फील इट इज अ वेरी गुड सोर्स टू बी फिट, और वहाँ पे आप कुछ अपना एनर्जी ट्रैकर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने अचीवमेंट शेयर कर सकते हो, क्योंकि इट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग अपने फ्रेंड्स का स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग का रैंक जो है विद इन लाइक 95% अच्छा ही है अभी तक, तो हम लोग बहुत अच्छी रैंक अचीव कर रहे हैं उसके अंदर, फिटनेस भी हम लोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अभी टारगेट तो यही है, वापस से नेशनल खेलना है, अभी फिर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जाना है। पैरेलली मेरी कोचिंग क्लासेस भी चलती हैं आज भी आप बैंगलोर के अंदर डिवाइस लाइक ऑनडो, तो लाइक वहाँ पे अपने नए बच्चों को भी ट्रेन करना है, पुराने बच्चों को वापस से एक्टिव फॉर्म में लेकर आना है, और खुद को भी वापस से इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टार बनाने का पूरा पूरा ट्राई। मैम एक कुछ लास्ट सवाल, जो लड़कियां हैं जो इस खेल की तरफ थोड़ा देखती हैं बट आने को लेकर पूरा अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाती, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और इस खेल के बारे में कैसे लोगों को प्रेरित करना चाहेंगे कि इस खेल को भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाए इंडिया में? और उन सभी ने देखा मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगा इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉपर एसोसिएशन है। तो अगर आप एक गर्ल हो और आप करियर को लेना चाहते हो टाइकोंडो, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि क्योंकि इसलिए नहीं कि टाइकोंडो एक बहुत अच्छा गेम है और मैं करती हूँ, इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने बाकी सारे सेल्फ डिफेंस को, क्योंकि मैं 3 स्टेट से खेल चुकी हूँ, मैं यूपी से खेल चुकी हूँ, उत्तर प्रदेश से, मैं गुजरात से खेल चुकी हूँ, मैं कर्नाटका से खेल रही हूँ। तो मैंने ये सब देखकर 3 डिफरेंट स्टेट में देखकर बाकी और गेम्स को वैल्यूएट करके मैं चाहती थी टाइकोंडो एक बहुत अच्छा गेम है, आप लोग को शुरू करना चाहिए, फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं, मेंटल फिटनेस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंटल फिटनेस के अलावा मे भी आपको जो मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस आता है कुछ भी करने के लिए, वो आता है एक सेल्फ डिफेंस आप मार्शल आर्ट। तो अगर आप इतने सक्षम बन जाते हो अपने अंदर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली अप होता है। आई वॉन्ट कि आप सब लोग आइए, ज्वाइन कीजिए। देखिए मार लकी है बोलते हैं, पेट खराब हो जाएगा, ये सब कुछ, देखिए अनलकी अभी तक बहुत मार लगी है, इंजुरीज भी हुई है, बट जो कॉन्फिडेंस या जो हैप्पीनेस आपको अंदर से मिलती है कुछ अचीव करने के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ एक गेम खेलने से, एक्टिव रहने से जरूर मिलती है। आप पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, पर फिजिकल फिटनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा काम के लिए। चलिए मैम आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, और लॉकडाउन जैसे भी जल्दी खत्म होता है और हम लोग आपको एक बड़े लेवल पर देखना चाहते हैं, आप जल्दी जाएं और हमारे देश का और अपना और आगरा वासियों का पूरा सबका एक नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का भी, और हम भी प्राउडली कह सकते हैं कि हम भी शारदा जी को जानते हैं। मैम थैंक यू फॉर डेली डायरी में।